एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इंडियन मॉम मानवी चौहान। और आज का जो मेरा वीडियो है ये है, आप इसे वीडियो कम व्लॉग बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। जैसा कि आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों अपलोड नहीं किया, जो मेरे वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं स्पेशली उन लोगों के लिए। तो पहले तो मेरे बेटे की जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, तो उस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। देन मुझे हो गया था कफ एंड कॉल टाइप प्रॉब्लम, तो फिर भी मैं अपलोड नहीं कर पाई। उसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने दिल्ली, तो इस चक्कर में मेरा जो वीडियो अपलोड करने का जो शेड्यूल है वो डिले होते 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 आज यहाँ फाइनली अब जाके मैं कोई वीडियो शूट कर पा रही हूँ। एंड मैं आपको आज बताने वाली हूँ उससे रिलेटेड ही, यहाँ हम लोग घूमने गए थे दिल्ली के मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें। आई होप ये आप लोगों को कुछ हिंट दे पाए, अगर आप लोग भी वहाँ घूमने जा रहे हैं या वहाँ पे आप जाना चाहते हैं और वहाँ के लोकल मार्केट से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ी सी जो रियलिटी है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जितना आप बाकी वीडियोस में देख चुके, मुझे नहीं लगता उतना आपको अच्छी चीज़ें और उसी प्राइस में मिल पाएगी। स्पेशली जो सरोजनी मार्केट के बारे में बोला जाता, हाँ मार्केट बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारे वैरायटी में चीज़ें मिल जाएंगी, कुछ अच्छी भी रहती है कुछ बुरी भी रहती है। बट जो बोलते हैं 10 रुपीज़, वो मुझे नहीं दिखा 10 रुपीज़ में जीन्स, और यह सब मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं बोलूँगी आपको मिल जाएगी पर 300-400 तक। क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम लोग नाइट में गए थे उसकी वजह से, या फिर उसका मार्केट जो हमें मॉर्निंग टाइम में जाना चाहिए, में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट मैंने जो वहाँ से लिया मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। और वहाँ पर मैं प्रॉपर कोई व्लॉग कर नहीं पाई, तो मैंने जो वहाँ के जो पिक्स थे उन्हें कलेक्ट करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं तो ऐसा। एनीवेज स्टार्ट करते हैं आपका जो वीडियो का व्लॉग है वो। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी जो मैंने सरोजनी मार्केट से लिया, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो गिफ्ट के लिए लेके आए थे हम लोग दे चुके हैं, तो बहुत कम चीज़ें मेरे पास बची। पर जो भी मेरे पास है मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट से रिलेटेड नॉलेज अगर हो जाए, अगर आप जानना चाहते हैं या आप फ्यूचर में जाएंगे तो। ये जो है मैंने लिए एक स्कर्ट, ये इस टाइप से है, इसमें आपको इस टाइप से ये बेल्ट मिल जाएंगे, यहाँ से है ये फ्रंट में, इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा है और ये यूज़ करी हुई बिल्कुल भी नहीं है, ये अनयूज है। और जो फ्रेश कपड़ों में से स्मेल आती ना, उस टाइप से इसमें से स्मेल आ रही है। और ये मुझे वहाँ पे पड़ा है 200 रुपीज़ में, तो 200 रुपीज़ के हिसाब से ये इसकी क्वालिटी वगैरह सब बहुत ही अच्छी है, मतलब 200 के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। सेकेंड जो है वो ये तो सॉक्स है, तो सॉक्स का मुझे नॉलेज नहीं है। एंड ये बेल्ट है, तो ये भी मेरे हस्बैंड ने उनके लिए लिया है, बट इनके प्राइस के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बट हाँ ये रीजनेबल ही मिल जाएंगे आपको वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे, बट आपको क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। ये है कि आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। देन हम लोग गए थे पालिका बाजार ना, हाँ सरोजनी से नहीं पालिका से लिया था, पालिका बाजार से मैंने ये मेरे लिए ली है। तो ये वहाँ पे जो ये मुझे 400 के समथिंग पड़े हैं, और हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास टाइम नहीं था ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह करने के लिए। बार्गेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी शॉपिंग, अगर आप अच्छे हैं बार्गेनिंग करने में तो फिर आप सोच लीजिए आपको बहुत ही चीज़ें अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। बट आपके पास पूरा टाइम लेके जाइए ताकि आप अच्छे से मार्केट भी घूम पाएँ। और हम लोग जब गए थे तब मार्केट बंद होने का टाइम हो रहा था, तो हमें उस बात की भी जल्दी थी कि हम ले लें नहीं तो सब छूट जाएगा। देन मेरे हस्बैंड ने लिए हैं उनके लिए शूज़, ये भी 400 के हैं, बट आपको 400 के हिसाब से क्वालिटी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। 400 में आपको ये जो मार्केट से आपके यहाँ के वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये आई थिंक वुडलैंड की जो सेकेंड कॉपी है उस टाइप के शूज़ है दोनों। देन मैंने पालिका बाजार से एक सनग्लासेस भी लिया था,
बताइए मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सनग्लासेस वगैरह की, कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, कि मैं सामने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती हूँ, स्पेशली सनग्लासेस से रिलेट को लेकर, कि सामने वाला मुझे जैसा बोल देगा मैं उसको ओके बोल दूँगी, मैं खुद इतना अच्छा अपने लिए चूज़ नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। ओके, तो ये थोड़ा सा सामान जो मेरे पास था मैंने वो आपको बताया, बाकी हम लोग वहाँ से सरोजनी से बैग वगैरह भी लेके आए थे, हैंडबैग, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही थी 200 रुपीज़ में, 200 में आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे इतनी अच्छी क्वालिटी में, आपको वहाँ पे रोड साइड पे ढेर के ढेर मिल जाएंगे हैंडबैग के। और सेम करोल बाग, हम लोग करोल बाग भी गए थे, हम लोग फर्स्ट गए सरोजनी, देन हम लोग गए थे पालिका बाज़ार, फिर हम लोग कहाँ गए थे, करोल बाग, हम लोग ये तीन मार्केट में गए, बट तीनों ही मार्केट आप वैसे तो देखेंगे तो इक्वली आपको लगेंगे, बट करोल बाग और पालिका का जो स्टैंडर्ड है वो सरोजनी से थोड़ा सा बेटर है। अगर आप बहुत ज़्यादा शोर शराबा या फिर चिल्ला चोट से बचना चाहते हैं और अच्छा चीज़ भी लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों जगहों पे भी ट्राई कर सकते हैं। और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग पूरा घूम पाए, हम लोग सरोजनी भी पूरा नहीं घूम पाए, बट हम लोगों ने जितना घूमा उस हिसाब से हम लोगों ने ठीक ठाक ही ले लिया। वहाँ पे आपको जेगिंग अच्छी मिल जाएगी, जीन्स मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी, और बैग आपको हैंड बैग अच्छे मिल जाएंगे, इनमें हम लोगों ने जो सरोजनी से इस टाइप के जो स्कर्ट लिए हैं, शॉर्ट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट्स वहाँ पे आपको अच्छे मिल जाएंगे। अगर आप लोग भी दिल्ली का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले पालिका बाज़ार चले जाइए, क्योंकि पालिका बाज़ार में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट आपको जो चीज़ वो बता रहे हैं 750 की, आप उन्हें 200 या 150 तक इजीली ले सकते हैं, इतना वहाँ पे बार्गेनिंग का काम है, बहुत ही ज़्यादा। आप जितने ज़्यादा बार्गेनिंग करने में अच्छे रहेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये तो था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन दिल्ली की जो रोड साइड शॉपिंग है उनसे, उनको लेकर। कहा जाता है कि वहाँ पे जो रोड साइड शॉपिंग है वो काफ़ी चीप एंड बेस्ट रहती है, मेरे ख्याल से भी वो ठीक ही बोल रहे हैं, बाकी जगहों की कंपैरिजन में वहाँ पे अच्छा मिल जाता है। तो आप अभी मेरा वीडियो एंड नहीं हुआ, आप मेरे पिक्स वगैरह पूरे देखिए, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट मेरे वीडियो का बेस्ट लगा। और अगर आप भी घूमना चाह रहे हैं तो जाइए, बहुत अच्छी जगह है, और बिल्कुल भी फगर्ट मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना एंड मेरे वीडियोस को शेयर करना, दैट्स इट। और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे वीडियो से रिलेटेड या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी बताते हैं, तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है, और आप लोगों से बात करना भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप सिर्फ मेरे वीडियोस को देख लें, व्लॉग को देख लें और कमेंट ना करें, आप उससे कनेक्ट होंगे तभी हम लोगों में एक फैमिली वाली जो बनी होती है वो हो पाएगी, नहीं तो आप मेरे वीडियोस को आपने देखा, व्लॉग को देखा और आप चले गए, आपने कुछ भी कमेंट नहीं किया, तो मुझे आप लोगों को तो मेरे बारे में पता चल जाएगा, पर मुझे आप लोगों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, आप लोगों को जैसा भी ठीक लगे आप वैसा करते हैं और कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो यहीं पे मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे जो पिक्स जो कि मैंने दिल्ली में क्लिक करे थे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा जो व्लॉग कम वीडियो, आप जो भी कहें, ऐसे तो ये व्लॉग ही हो गया है, तो चलिए आप इंजॉय कीजिए मेरे पिक्स। Only you. Make me. I.
the skies, I'll be